हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स ऑफ आवर चैनल। यदि आप हरियाणा बोर्ड से 12th हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या फिर प्रवक्ता हैं, टीचर हैं, तो हम सब की ये चिंता रहती है कि आने वाले साल में जो अब पेपर होगा 2020-21 का, जिसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया है, प्रॉपरली स्कूल नहीं लग पाए, ऑनलाइन स्टडी चलती रही, तरह तरह के हम वीडियो से पढ़ते रहे, एजुसेट से पढ़ते रहे, तो अब उसका पेपर कैसा होगा, क्योंकि सरकार ने, हमारे बोर्ड ने बहुत सारा सिलेबस जो है लगभग 30-40% सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया है, काट दिया, डिलीट कर दिया है। जो बाकी बचा सिलेबस है उसी में से पेपर को काफी आसान बनाया है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको एसे टाइप, ई मीन्स एसे टाइप, तीन बड़े क्वेश्चन आएंगे, 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और टोटल 15 मार्क्स। फिर शॉर्ट आंसर टाइप, लघुत्तरात्मक, ये 5 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर वाले। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2-2 नंबर वाले 5 आएंगे और 1-1 नंबर वाले आएंगे 40। अब पढ़ना आसान भी है और मार्क्स लेने भी आसान होंगे, लेकिन एक बात है, यदि आपके पकड़ ऑब्जेक्टिव टाइप पे कम हुई तो मार्क्स लेने मुश्किल भी हो जाएंगे। इसीलिए बहुत गहराई के साथ पढ़ना होगा और इसी को लेकर हमने समझने का प्रयास किया है कि किस लेसन में से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। टोटल 53 क्वेश्चन आएंगे और टोटल मार्क्स रहेंगे 80। आइए समझते हैं। लेसन नंबर 1, ईंटे, मनके और अस्थियां, कहने के बावजूद हड़प्पा सभ्यता में से जो मैंने और हमारे सभी बुद्धिजीवी साथियों ने अनुमान लगाया है कि आपका पेपर कुछ इस प्रकार से हो सकता है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है इस लेसन में से हड़प्पा सभ्यता वाले में से 1, 3 नंबर का भी 1, 2 नंबर का भी 1 और 1-1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स हो गए 12-12। फिर दूसरा लेसन है राजा, किसान और नगर, इसमें से 5 नंबर का कोई नहीं, 3 का 1, फिर 2 का कोई नहीं और 3-3 मार्क्स वाले जो हैं वो 1-1 मार्क्स वाले, सॉरी 1-1 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आएंगे और टोटल मार्क्स हो गए 6। 3 नंबर वाला 1, 1-1 मार्क्स वाले 3, तो टोटल 6 नंबर। उसके बाद है बंधुतक, जाति और वर्ग, इसमें से आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है और 1-1 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, टोटल हो गए 6। चौथा लेसन है विचारक, विश्वास और इमारतें, इसमें से आपको 3 नंबर का 1 आ सकता है और 1-1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, टोटल मार्क्स 5। उसके बाद है यात्रियों के नजरिए से, लेसन नंबर 5, इसमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, जब आपने बुक्स खरीदी होंगी साल की शुरुआत में तो आपके पास हिस्ट्री में टोटल 15 लेसन दिखा रहा होगा। अब उस 15 लेसन के हिसाब से ही हमें ये मानकर चलना है कि कौन कौन से लेसन काट दिए गए हैं, क्योंकि अगर हम नए सिलेबस के हिसाब से देखें तो हमें लिखा गया लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, वो हमारी बुक से मैच नहीं करेगा। इसी चीज को आसान करने के लिए हमने कुछ ऐसा तरीका अपनाया है। अब लेसन नंबर 5 यात्रियों के नजरिए से, ये डिलीटेड है, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। लेसन नंबर 6 भक्ति, सूफी परंपराएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेसन है ये, यहाँ से फिर एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसके बाद 2 नंबर का 1 आएगा और 1-1 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 12 मार्क्स। उसके बाद है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, यहाँ से आपको 3 नंबर का 1, 2 नंबर का 1 और उसके बाद 1-1 नंबर वाले 3 क्वेश्चन, टोटल हो गए 8 नंबर। लेसन नंबर 8 किसान, जमींदार और राज्य, ये डिलीटेड है, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। लेसन नंबर 9 शासक और इतिवृत्त, ये लेसन जो है मुगल काल से, मुगल शासकों से संबंधित है, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले आ सकते हैं। फिर उसके बाद है लेसन नंबर 10 उपनिवेशवाद और देहात, यहाँ से आपको 1-1 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। विद्रोही और राज, 1857 की क्रांति, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का और 1-1 नंबर वाले 6 क्वेश्चन आएंगे। बहुत बहुत बड़ा पार्ट है, आपको बहुत गहराई से इस लेसन को पढ़ना होगा, टोटल मार्क्स 9। औपनिवेशिक शहर जो है लेसन नंबर 12, ये डिलीटेड है, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। फिर 13th है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से फिर एक आपको बड़ा प्रश्न आएगा 5 नंबर का और 1-1 नंबर वाले आएंगे 7।
और ये हो गए 12। उसके बाद विभाजन को समझना, ये डिलीटेड है, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। लेसन नंबर 15, संविधान का निर्माण, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से आपको 2 नंबर का एक और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, और ये हो गए टोटल 3 मार्क्स। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से लेसन नंबर 1, 6 और लेसन नंबर 13, यहाँ से आपको 3 बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, जबकि 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो आपको पहले से, दूसरे में से, चौथे में से, उसके बाद 7वें में से और फिर 11वें में से आ सकता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन पहले में से, तीसरे में से, छठे में से, 7वें में से और फिर 15वें में से आ सकता है। और ऐसे ही 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन जो है पहले में से 2, फिर 3, फिर 4, फिर 2, फिर उसके बाद लेसन नंबर 6 में से 5, 7 में से 3 और उसके बाद 9 में से 3, 10 में से 4, 11 में से 6 और 13 में से 7 और 15 में से 1, टोटल 40 मार्क्स। इन 40 मार्क्स में से भी जो मैंने पिछली स्टडीज की हैं, हमारे सभी साथियों ने पिछली स्टडीज की हैं, तो ये पाया है कि 30 से लेकर 35 तक जो क्वेश्चंस होते हैं वो डेट्स वाले होते हैं। तो उसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे डेट्स वाले ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो 30 में से आ सकते हैं, लेसन नंबर 30 में से आ सकते हैं और 11 में से आ सकते हैं, एक क्वेश्चन कम से कम 10 में से आएगा। क्योंकि मानकर चलिए कि जहां आपको 3 क्वेश्चन या 3 से ज्यादा दिख रहे हैं, नेचुरली उसका 1/3 निकालते चलिए, वहां से आपके लिए क्या निकल कर आएगा, डेट्स वाले क्वेश्चन निकल कर आएंगे। तो इसी के साथ ही मुझे उम्मीद है कि आज की ये बाइफर्केशन आपको समझ आई होगी, ये बहुत हेल्पफुल भी रहेगी। ये अनुमानित भले है लेकिन ये हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पेपर इसी हिसाब से आएगा और आप सब अच्छे मार्क्स लेकर, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।